हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं स्नेहा, आज मैं आपके साथ अपने कुछ गार्डन के वर्क शेयर करने वाली हूं। तो पूरा काम करते हुए तो नहीं दिखा पाऊंगी, कुछ गार्डन को थोड़ा सा सेट करना था, उसी पे मतलब काम करने वाली हूं। साथ में वहां की थोड़ी सी साफ़ सफाई भी करनी थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा मिट्टी वगैरह फैली है, तो मैं सबको साफ़ करके और अच्छे से क्लीन करूँगी ताकि मेरा गार्डन थोड़ा ठीक ठाक दिखे, क्योंकि जब भी बारिश होती है तो बह करके मिट्टी ऊपर से बहुत ज़्यादा आती है। तो वही सब क्लीनिंग करनी थी, और साथ में थोड़े गमले भी अरेंज करूँगी। सब जितने भी गमले हैं उनमें सब में गोबर की खाद भी देनी है। तो ये देखिए, इनमें गोबर की खाद भी मुझे देनी है, और तो मतलब बहुत सारे प्लांट, परमानेंट प्लांट जितने भी हैं सभी में देनी है। ये गोबर की खाद में लेकर आई हूँ, और काफ़ी अच्छे से डिकम्पोज हुई खाद है ये। तो जितने भी हमारे परमानेंट प्लांट हैं सब में हम ये खाद डाल देंगे, ताकि एक बार अच्छे से प्लांट की ग्रोथ हो। वैसे तो इनको बारिश का पानी मिलेगा तो काफ़ी अच्छी ग्रोथ करेंगे, लेकिन नीचे से रूट से भी थोड़ा फर्टिलाइज़र मिल जाएगा तो और ज़्यादा अच्छी ग्रोथ करेंगे। और देखिए, बारिश के पानी मिलते हैं, इनकी पत्तियाँ सारी ग्रीन होने लगी हैं, क्योंकि इनमें काफ़ी सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं। सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन होता है, जो बहुत अच्छा काम करता है प्लांट के लिए। तो चलिए पहले खाद दे लेते हैं, उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने किस तरह से गार्डन को थोड़ा सा अरेंज किया है। और अरेंज क्या करना रहता है, मतलब पौधे तो बस वहीं से उठाकर वहीं वापस रख देना होता है, बस थोड़ी साफ़ सफाई कर लेती हूँ, बस वही रहता है। तो देखिए, साल में कम से कम दो बार आप क्रोटन के प्लांट में भी नीम की खली और गोबर की खाद या फिर वर्मी कंपोस्ट दिया करिए, बहुत अच्छे आपके प्लांट हेल्दी रहेंगे। मैंने इनको तब से फर्टिलाइज़र नहीं दिया था जब से इनको रिपोर्ट किया था। और देखिए, सिंगल प्लांट है, एक ही प्लांट ये इतना ज़्यादा बूसी है। एक प्लांट तो मैंने बिल्कुल ख़राब कर दिया, पड़े पड़े उसको बाहर निकाल दिया था, तो पूरा वो ख़राब हो गया है। उन सबकी रिपोर्टिंग भी करनी है, तो बहुत सारे वर्क हैं जो मैं आपको करके तो नहीं दिखा सकती, क्योंकि एक हाथ से कैमरा पकड़ के बनता नहीं है, पर जो कर लूँगी काम तो वो आपको मैं शेयर करूँगी फिर। ये देखिए हमारा अलमंडा का प्लांट, जो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है, और इसको मैंने ट्रेलिस बना दी है इसके लिए, तो ये और ज़्यादा अच्छे तरह से ग्रोथ भी करेगा। और ये एक बकेट में लगा है, बकेट में आधी मिट्टी भरी है, पूरा मैंने ऊपर तक नहीं भरा है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा फिर वेट हो जाता है, तो इतनी ही मिट्टी हमने भरी है इसमें। और ये थोड़ा सा खाद इसको दे दिया, तो और ज़्यादा अच्छी ग्रोथ करेगा साथ के साथ। साथ में आप इसमें बनाना पील फर्टिलाइज़र भी दे सकते हैं, किचन वेस्ट से निकला हुआ फर्टिलाइज़र भी आप दे सकते हैं, उसको लिक्विड बना करके भी दे सकते हैं। अगर बारिश नहीं हो रही है, बारिश हो रही है तो फिर आप उसको लिक्विड नहीं, आप उसको सुखा करके या तो डिकम्पोज करके फिर दीजिएगा। तो ये देखिए, ट्रेलिस भी मैंने बनाई है, काम चलाऊ जो भी, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं कह सकते, लेकिन फिर भी अभी प्लांट को ग्रोथ के लिए अच्छा काम करेगा। तो ये देखिए, मैं लेकर आई हूँ यहाँ पर कंपोस्ट, ये है गोबर की खाद, और ये बहुत अच्छी डिकम्पोज है। मैं जब लेकर आई थी तब इसको कम से कम इसको लाए हुए मुझे 6 महीने हो गए, 6 महीने से मेरे घर पे रखी हुई है, और जब लेकर आई थी तब भी काफ़ी अच्छी मतलब डिकम्पोज थी कंपोस्ट, तब भी हम इसको डायरेक्ट यूज़ कर सकते थे, लेकिन अभी और ज़्यादा अच्छी हो गई है। तो ये कंपोस्ट मैं डालने वाली हूँ अपने सारे ही बिस्कस के प्लांट में, जिनकी कंडीशन बिल्कुल मरने की कगार पर आ गए हैं मेरे सारे प्लांट। तो चलिए, मैं प्लांट को थोड़ा सामने सामने निकाल लेती हूँ, और गार्डन का बहुत सारा वर्क है जो मुझे इस टाइम पे करना है। तो ये देखिए, सभी की मैंने प्रूनिंग कर दी है, क्योंकि इनकी जो कंडीशन थी बहुत ही ख़राब हो गई थी। मैं आपको दिखाना चाहती थी, लेकिन उस दिन भी मैंने लगभग शाम को किया तो अंधेरा हो गया था बिल्कुल। और थोड़ा सा गुड़ाई कर लेते हैं चलिए पहले इसके अच्छे से। और मिट्टी देखिए अभी गीली है, सुबह मैंने पानी दिया था, पत्तियाँ ज़्यादा नहीं है तो उतना ज़्यादा पानी एब्जॉर्ब नहीं कर रहा ये, लेकिन फिर भी मैं सोच रही इसकी कुछ ऊपर की मिट्टी हटा करके मैं इसको अच्छे से खाद दे दूँ, क्योंकि गमला वैसे में फिर बहुत ज़्यादा भर जाएगा। तो थोड़ी सी मिट्टी हटा लेते हैं ऊपर ऊपर की, और मैं सिर्फ अभी गोबर की खाद दे रही हूँ। कल मैं इसमें ला करके नीम खली, एप्सम सॉल्ट ये भी दूंगी, पर आज मैं थोड़ा जल्दबाजी में हूँ, क्योंकि अंधेरा होने वाला है और मैं गार्डन में ज़्यादा वर्क कर नहीं पाती, तो सबसे ज़रूरी अभी गोबर की खाद है। तो मैं सोच रही पहले मैं गोबर की खाद ही इसको दे दूँ, उसके बाद बाकी के फर्टिलाइज़र हम इस पर देते रहेंगे। आप इस समय स्प्रे भी करते रहिए, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का कीजिए, एप्सम सॉल्ट का कीजिए, और फंगीसाइड और इंसेक्टिसाइड का भी कीजिए, ताकि आपके जो प्लांट हैं उनमें थोड़ा सा पेस्ट वगैरह अटैक ना करे। देखिए, मिट्टी नीचे की काफ़ी गीली, क्योंकि सुबह पानी दिया था, अच्छा भर के पानी दिया था मैंने, क्योंकि इस टाइम पे गर्मी बहुत ही भयानक सी गर्मी हो गई है, एकदम भयंकर सी गर्मी हो रही है। तो ये मिट्टी ऊपर से हम दूसरी इस मिट्टी को ड्राई करके एक बार फिर से और दूसरी मिट्टी मिला करके, या तो मैं फिर किचन वेस्ट भर दूँगी इसमें, किचन वेस्ट से मेरे प्लांट में फ्लावरिंग भी अच्छी होगी। तो ये देखिए, थोड़ी सी मैं बाद में इसमें राइस हस्क भी मिलाऊंगी, पर वैसे मिट्टी की गुड़ाई मैं सुबह कर देती ना तो ज़्यादा अच्छा रहता, बहुत ही चिकनी सी मिट्टी हो गई, जबकि इतना भुरभुरी सी मिट्टी मैंने इनमें ऐड की थी जब मैंने इनको रिपोर्ट किया था। तो चलिए, ये हम लेते हैं खाद गोबर की, और एक एक स्पून जो है इसको हम भर के इसमें डाल देंगे। देखिए इस तरह से,
और बस इतना ही डालेंगे। अभी मैं इसको इतना खुला रहने दूंगी, इसकी मैं थोड़ी सी मिट्टी निकालूंगी ताकि, वैसे ये खाद वाला पार्ट ही है, देखिए भूरभूरा सा है ऊपर का। और इसमें तो कलियां भी बहुत सारी आई थी लेकिन मैंने प्रून कर दिया क्योंकि थोड़ा सा मिली बग इसमें भी अटैक हो गया था, बाकी की अपेक्षा इसमें थोड़ा कम हुआ था लेकिन हो सभी में गया था क्योंकि मैंने ध्यान नहीं दिया थोड़ा सा। और मेरे गार्डन में कभी मिली बग अटैक होता नहीं था, तो ये मतलब कि मेरे लिए एक सबक था, थोड़ा बहुत चेक करते रहना चाहिए प्लांट को। ऊपर से प्लांट काफ़ी अच्छे हेल्दी दिख रहे थे, कलियां भी खूब ढेर सारी आ रही थी जिसकी वजह से मुझे लगा नहीं कि ऐसा यानी कंडीशन हो जाती। वो तो जब अचानक से मैंने एक दिन प्लांट को देखा तो बिल्कुल ड्राई हुआ पड़ा था, उस प्लांट को तो मैंने निकाल कर फेंक भी दिया क्योंकि बिल्कुल सूख गया था, तो उसको मैंने हटा दिया फिर गार्डन से, क्योंकि बहुत ज़्यादा पेस्ट अटैक जिन पर हो जाए उनको गार्डन से हटाना ही ज़्यादा अच्छा होता है, उन पर हम इतना ज़्यादा मेहनत फिर करनी पड़ती है और साथ में क्या होता है दूसरे प्लांट में भी लगने का डर रहता है। तो ये देखिए दो प्लांट में हमने फर्टिलाइज़र दे दिया, अब इसको और अगर मैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का स्प्रे करती रहती तो भी पेस्ट अटैक उतना ज़्यादा नहीं होता। तो क्या था, मैं बस पानी ही डालती रही अपने गार्डन में अप्रैल से लेकर के अप्रैल मई और जून तीन महीने, मैंने मार्च मतलब फरवरी में जो इनको लिक्विड फर्टिलाइज़र दिया था उसके बाद से फिर मैंने कोई फर्टिलाइज़र नहीं दिया अपने गार्डन में, तो ये उसी का नतीजा है जो मैंने केयर नहीं की प्लांट की, क्योंकि गर्मियाँ इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी कि मन नहीं कर रहा था कुछ भी डालने का। और फ्लावरिंग तो अच्छी करी थी इन्होंने, अभी सिर्फ एक डेढ़ महीने से इन्होंने फ्लावर देने बंद कर दिए, लेकिन उसके पहले इन्होंने बहुत अच्छी फ्लावरिंग करी थी। और ये देखिए इस तरह से गुड़ाई भी कर ली हमने थोड़ी सी, और अब आज शाम को मैं अपने गार्डन में पानी नहीं दूंगी, वैसे कुछ प्लांट को नीड है पानी की, कुछ प्लांट बिल्कुल सूखे हुए से पड़े हैं लेकिन उनमें भी मैं सोचती हूँ सुबह ही दूँ पानी तो ज़्यादा सही रहेगा। देखिए कि मिट्टी थोड़ी सी हम निकाल लेते हैं, उससे क्या होगा हमारे जो रूट्स हैं उनको थोड़ा सा हवा भी मिलेगी और बाद में फिर हम इस मिट्टी को सुखा करके वापस इसमें डाल देंगे। तो ये काम हो गया, देखिए इसी तरह से मैं सारे प्लांट में फर्टिलाइज़र दे दूँगी जब तक कि अंधेरा नहीं होने वाला, अंधेरा होने वाला है और बारिश भी लगता है शायद होगी क्योंकि बादल देखिए आप, बादल बहुत ज़्यादा घेरे हुए हैं, गरज भी रहे हैं लेकिन बरस नहीं रहा। मैं चाहती हूँ थोड़ी बहुत बारिश हो जाए तो मेरे गार्डन के थोड़ी सी तो मतलब इनको सुकून मिल जाए, देखिए बादल गरज रहे हैं। तो बस यहाँ का गार्डन सेट करूँगी, अब तो उतनी ज़्यादा रौनक नहीं दिखेगी आपको गार्डन में लेकिन थोड़ा फर्टिलाइज़र दूँगी, थोड़ी सी इनकी केयर करूँगी प्लांट की, तो फिर से वापस से अच्छे हो जाएंगे और आप लोगों को मेरा गार्डन एक बार फिर फूलों से भरा हुआ दिखेगा कुछ ही टाइम में। तो बस थोड़ी सी मेहनत मुझे करनी पड़ेगी, तो मौसम ऐसा हो गया कि दिन में कुछ काम कर नहीं पाती हूँ, तो पूरा गार्डन सेट कर लूँगी अच्छे से और उसके बाद मैं आपको लास्ट में दिखाऊंगी। यही सारे काम करने वाली हूँ, कल मैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का स्प्रे करूँगी, तो देखती हूँ अगर बारिश अगर नहीं हुई आज तो मैं आज शाम को ही स्प्रे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का स्प्रे भी करूँगी। तो मैंने गार्डन को यहाँ से पूरा क्लीन करके, बहुत ज़्यादा कचरा था इतने ज़्यादा, यहाँ पर क्रिसेंथेमम के प्लांट रखे हुए थे बहुत ढेर सारे जिनको मैंने सबको हटा करके, और देखिए थोड़ी सी बूंदाबांदी भी शुरू हो रही है, मुझे लगभग दो दिन लग गए वो काम करने में। और उसके बाद मैंने यहाँ से थोड़ी सी पुरानी पट्टियाँ पड़ी हुई थी तो इनको ईंटों के ऊपर रख करके मैंने ये अपने जो गुलाब के गमले हैं इनको थोड़ा सा ऊंचाई पे रखा है ताकि मैं इसके नीचे थोड़ा क्लीनिंग भी कर सकूँ और प्लांट भी देखने में अच्छे लगे, क्योंकि ज़मीन में रखे रहते हैं तो धूप भी नहीं पड़ती, फर्श में तो वहाँ पर भी दिक्कत होती है। तो ये देखिए ये कॉर्नर पूरा मैंने क्लीन कर दिया यहाँ पर अच्छे से, नहीं बहुत सारे प्लांट देखिए निशान पड़े हुए हैं गमलों के, अभी भी बहुत सारे गमले वहाँ पर रखे हुए थे। और दो पीपल के प्लांट मेरे गार्डन में उग गए अपने आप, देखिए कितने बड़े बड़े से, तो एक तो गमले में उगा था, एक देखिए ग्रो बैग में ही अपने आप उग गया था, इसकी रूट देखिए आप। मैं सोच रही थी इसका बोनसाई बनाऊं और बहुत अच्छा बोनसाई मैं इसका बना भी सकती थी लेकिन पता नहीं मन करता है रखूँ, कुछ लोग बोलते हैं ना रखिए पीपल को घर में। और एक को मैंने फिर इसमें रिपोर्ट कर दिया है, तो देखूँगी मैं इसको नर्सरी में या तो छोड़ दूँगी या तो किसी मंदिर में ले जाके फिर रख दूँगी, मंदिर के पास आसपास कहीं लगवा दूँगी। और ये देखिए हमारे हिबिस्कस आज खिला हुआ है, इसको मैंने गोबर की खाद इन सब में दे दी है, सब में गोबर गुड़ाई करके गोबर की खाद मैंने दे दी है जितने भी मेरे प्लांट हैं। जेट प्लांट मैंने 15 दिन पहले आप लोगों के साथ इसकी प्रूनिंग शेयर की थी और कल मैंने इसकी प्रूनिंग फिर से की है, देखिए तो हर 15 दिन 20 दिन में इनकी जो प्रूनिंग है वो आपको करते रहनी, प्रूनिंग या पिंचिंग जो भी कह सकते हैं आप, उसको करते रहेंगे तो ये बहुत अच्छी शेप में आता है। यहाँ पर भी देखिए गुलाब मैंने इस साइड पे सेट किए हुए हैं, दो दो ईंट लगा करके मैंने थोड़ा ऊंचाई दी है ताकि ये अच्छे से मतलब नीचे सफाई कर सकूं। और ये जो छोटे वाले स्टैंड मैंने मंगाए थे फ्लिपकार्ट से, तो इन पे मैंने अपने सारे हिबिस्कस रख दिए, हिबिस्कस मैंने सबकी प्रूनिंग कर दी, देखिए नई ग्रोथ भी स्टार्ट हो चुकी है 2-3 दिन में।
और सब में इनमें मैंने गोबर की खाद दी है। परसों जो बारिश हुई थी उसमें इनको पानी भी बहुत अच्छे से एक बार मिल चुका है, तो ये काफ़ी अच्छे से हैं। इधर मेरा जो करी का पत्ता है ये भी इधर रखा हुआ है। इधर एक मोरपंख का प्लांट है पीछे इनके, बाकी पीछे के जो और गमले थे मैंने हटा दिए वहाँ से। इधर हमारे जो कैना लिली हैं दो प्लांट, वैजंती भी बोलते हैं इसको, कैना लिली तो दूसरा होता है, वैसे ओरिजिनल कैना लिली अलग होता है। कुछ बालसम के प्लांट भी मैंने दो तीन रिपोर्ट किए थे, देखिए एक इसमें लगाया हुआ है, एक छोटा सा प्लांट था। ये सब मेरे गार्डन में अपने आप ही ग्रो हुए हैं, मैंने सीड कलेक्ट नहीं किया और लगाया भी नहीं। एक अपराजिता भी मैंने लगा दी है, मेरे गार्डन से अपराजिता लगभग ख़त्म सा हो गया था, तो इधर उधर ग्रो हुए थे तो मैंने दो गमलों में अपराजिता लगा दिया है। अभी बारिश में बहुत अच्छे फूल देते हैं और भगवान शिव जी को पसंद भी है तो चढ़ाने के काम आएगा। साथ में देखिए जो मोर की मैंने टॉपियरी तैयार की है, तो अब जाके इसकी ग्रोथ देखिए निकल करके थोड़ी सी मतलब ग्रोथ होने लगी प्लांट्स में। थोड़ा दिन तो ये शौक में था क्योंकि बांधने से थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया था। अब जैसे जैसे बढ़ेंगे फिर थोड़ा सा मैं इधर पेट का सेब भी ला करके दूंगी, या तो एक दो कटिंग नीचे से और लगा दूंगी तो उससे बहुत अच्छा बन जाएगा। तो यहाँ का पूरा एरिया जहाँ पर मैंने ये अडेनियम की सीडलिंग पूरी बिखरा के रखी हुई थी सब हटा दिया मैंने और यहाँ पर क्लीन कर दिया है, तो ये भी थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। बाकी ये लंटाना मैंने इधर शिफ्ट कर दिया, ये देखिए एक अपराजिता और लगा के रखी है। और इधर भी बहुत ज़्यादा मिट्टी बोरियों में फैली पड़ी थी तो उसको भी मैंने सबको समेट के भर के रख दिया है, एक टब में भर के रख दिया और कुछ बोरियों में भर के रख दी। इधर मैंने अपनी टिकों में शिफ्ट किए हैं, अडेनियम की सीडलिंग सारी इधर शिफ्ट कर दी है। और एक कनेर मैंने अभी यहीं पर रखा है, इसको मैं सोच रही हूँ उसी साइड पर कहीं पर शिफ्ट कर दूँ, तो अभी फ़िलहाल यहीं पर रखा। और एक टोपियारी मैंने और तैयार की थी देखिए जेट प्लांट की, अभी इसकी ग्रोथ उतनी ज़्यादा नहीं दिख रही क्योंकि मैंने कटिंग लगाई हुई है, तो कटिंग जैसे ही लग जाएंगे तो न्यू ग्रोथ इसमें शुरू हो जाएगी। और देखिए कुछ पत्तियों में न्यू ग्रोथ आ भी गई देखिए यहाँ पर, तो ये धीरे धीरे हो जाएगा, वीड्स कितनी जल्दी ग्रो होंगे। कुछ मैंने कोलियस की कटिंग भी लगाई है, बहुत सारे पुराने जो प्लांट थे ख़राब से हो रहे थे उन सब की मैंने कटिंग लगा दी है। एक प्लांट मेरे गार्डन में ग्रो हुआ था अपने आप, ये देखिए, अब ये मुझे पता नहीं किस चीज़ का प्लांट है, एक जो डॉलर प्लांट होता है पानी में ग्रो करते हैं, मुझे लगा कि शायद वो अगर वो होगा तो बहुत अच्छा, क्योंकि हमारे यहाँ नर्सरी मिलता नहीं है वो, तो पता नहीं ये वही है या फिर कुछ दूसरा है। अगर आप लोग पहचानते हो इसको तो ज़रूर बताइएगा कि किस चीज़ का प्लांट है। सिर्फ एक ही स्टेम है देखिए यहाँ से, वो भी टूट गई है, मैंने फिर भी इसको रिपोर्ट कर दिया और धूप में ही वैसे तो रखा है, तो मुझे इसको धूप में रखना चाहिए कि छाया में, आप इसको ज़रूर बताइएगा। प्लांट का नाम पता चल जाएगा तो मैं उसकी केयर कर लूँगी, लेकिन प्लांट का नाम मुझे अभी नहीं पता है। और अडेनियम के सीड ले तो फाइनली सारे ख़राब हो गए, एक भी नहीं बचा। ये देखिए एक दो सीड पॉट अभी बचे थे, मुझे थोड़ी लग रहा था शायद ये मैच्योर हो जाएंगे, लेकिन ये देखिए ये बिना तैयार हुए सारे सीड ख़त्म हो गए। ये देखिए एक भी सीड इसमें से मैच्योर नहीं हो, बस इसी तरह सड़ करके गल करके ये ख़त्म हो जाते हैं। तो बहुत ही मतलब 25 सीड पॉट बने लेकिन एक भी काम नहीं आया। और इधर तो सारे मैंने अडेनियम शिफ्ट कर दिए हैं, ये मैं मतलब सैटरडे से लगभग काम करना शुरू किया, मैंने संडे अपडेट में भी दिखाया था आपको अडेनियम जो शिफ्ट किए थे, ये देखिए। और ये सारी सीडलिंग मैंने इधर शिफ्ट कर दी है, जो अभी ये हाइब्रिड सीडलिंग है। इधर देखिए मैंने इस तरह से यहाँ से क्लीनिंग करके और इनको इस तरह से जो बड़े प्लांट थे उनको पीछे लगा दिया है। अलमंडा भी मैंने एक ट्रेलिस बना करके उसको भी शिफ्ट कर दिया है उसमें, अब वो पूरा कवर कर लेगा तो और ज़्यादा सुंदर लगेगा। और अगर आप लोग लोहे की राड या लोहे की पाइप से बनाते हैं तो आप उसमें जूट की रस्सी अगर लपेट लेते हैं तो और ज़्यादा आपको अच्छा रहेगा। मैंने नहीं लपेटा है, बाद में देखूँगी अगर हो पाएगा तो लपेट दूँगी, नहीं गर्मी तक देखते हैं क्या करना पड़ेगा फिर। इधर भी मैंने सबकी प्रूनिंग कर दी है और सब में फर्टिलाइज़र दे दिया है, सबको गोबर की खाद दी है, बाकी अभी मैंने कुछ नहीं किया है। और उसके बाद मैं इनमें स्प्रे करूँगी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का और एप्सम सॉल्ट का, तो उसको मिला करके भी आप स्प्रे कर सकते हैं, या तो एक एक दिन के आड़ से आप कर दीजिए। जैसे एक दिन आपने माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कर दिया, दूसरे दिन आपने एप्सम सॉल्ट कर दिया, उससे क्या होगा प्लांट की ग्रोथ जल्दी शुरू हो जाएगी। और मैंने अभी टिकोमा में फर्टिलाइज़र नहीं दिया, ये सारे ग्रो बैग में लगे हैं तो मैंने इनमें कोई फर्टिलाइज़र अभी नहीं दिया है। और देखिए डेंथस भी हमारे काफ़ी अच्छे खिल रहे हैं। और ये स्ट्रॉबेरी के प्लांट है, इनको भी मैंने थोड़ा थोड़ा गोबर की खाद दे दी है। तो ये दो प्लांट, एक प्लांट मैंने रिपोर्ट किया है देखिए अभी मुरझाया हुआ दिख रहा है, क्योंकि बारिश उस दिन से नहीं हुई ज़्यादा, थोड़ा दो चार बूंद ही गिरे हैं तो ये थोड़ा सा अभी सूखा सूखा दिख रहा है, लेकिन जल्दी ये ग्रोथ शुरू कर देगा। जैसे ही बारिश का अच्छा मौसम आ जाएगा तो ये ग्रोथ करना शुरू कर लेगा। और ये देखिए जट्रोफा को भी मैंने रिपोर्ट कर दिया था, इसको भी मैंने अच्छे से खाद दी है और साथ में इसकी सारी प्रूनिंग कर दी है, मिलीबग बहुत ज़्यादा लगे थे। इधर देखिए जेट प्लांट है हमारे सारे कटिंग से, तो मैंने इस तरह से गार्डन को अरेंज किया। अब वो थोड़ा स्टैंड वगैरह में रखने से प्लांट ज़्यादा सुंदर लगते हैं, बाकी ठीक है। ये रोज़ प्लांट मेरा काफ़ी अच्छा ग्रो हो रहा है, देखिए ढेर सारे कलियाँ और फूल इसमें आ गए हैं, बहुत अच्छी इसकी ग्रोथ है। इनमें फंगिसाइड और इंसेक्टिसाइड के टाइम टू टाइम अप करते रहूँगी ताकि ये ठीक रहे,
ये देखिए, नहीं तो इस तरह से जो नई पत्ते निकलते हैं उनमें बहुत जल्दी माइट्स का अटैक हो जाता है। और इसकी वेराइटी बहुत ही प्यारी सी है, ये देखिए बहुत सुंदर फूल खिलता है, तो काफ़ी खूबसूरत सा है। बोगनवेलिया को भी मैंने रिपोर्ट कर दिया और साथ में प्रूनिंग भी कर दी है। अब देखते हैं इसकी ग्रोथ कैसे निकल करके आएगी। तो बस फ्रेंड्स, यही मेरे आज के काम थे जो मैंने लगभग 3 दिन में कंप्लीट किए। बहुत ही ज़्यादा वर्क हो जाता है गार्डन में, और फिर घर के भी इतने सारे काम होते कि